एनीमिया यानी कि खून की कमी के कारण शरीर में कई रोगों से संक्रमण खतरा बढ़ जाता है। वहीं इस समस्या से बचाव और जागरूकता के लिए केजीएमयू के क्वीन मैरी अस्पताल में रैली और गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ ऑस्टेटिशियन एवं गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान केजीएमयू की स्त्री और प्रसूति रोग विभाग की हेड डॉक्टर एसपी जयसवार की अगुवाई में नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन एनीमिया यात्रा निकाली गई, जिसको केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं ये यात्रा उन 20 शहरों से गुजरेगी जिन शहरों से पवित्र पावनी माँ गंगा बह रही है, और ये यात्रा कुल 40 दिनों तक चलेगी जिसका कोलकाता में समापन हो जाएगा। बता दें कि खून की कमी के कारण रोगों से होने वाली समस्याओं से बचने के लिए इस बदलाव की यात्रा को नाना एनीमिया थीम पर निकाला गया। वहीं जागरूकता यात्रा निकालने के बाद एनीमिया विषय पर गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं ने एनीमिया जागरूकता पर पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लिया। वहीं इस दौरान डॉक्टर तृप्ति ने बताया कि खून की कमी को पूरा करने के लिए साधारण दिनचर्या और खानपान में बदलाव किया जा सकता है। रोजाना खानपान में हरी सब्जियां और घर में इस्तेमाल होने वाले गुड़ छुआरा शामिल करने से खून की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा बस खुद को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना चाहिए। यहाँ पे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन को ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें मेरी थर्ड पोजीशन आई है, तो इसलिए मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट मिला है। कैसी पेंटिंग थी, क्या उसमें चीज़ें बताएं? बेसिकली ये अनीमिया अवेयरनेस के लिए था, तो उसमें मैंने सर्टेन चीज़ें कवर करी थी, जिसमें कि सबसे पहले मैंने इंसिडेंस बताया था कि आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा अनीमिया के केसेस बढ़ रहे हैं, और ये जैसे कि मतलब यूपी में ये इंडिया का सेकंड प्रिवलेंट है, मतलब पूरे इंडिया में यूपी में सेकंड नंबर पे अगर अनीमिया के केसेस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। और उसमें क्या है कि जो फीमेल हैं और जो बच्चे हैं उनमें उनका जो रेट है अनीमिया का वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ऑर्गेनाइजेशन चलती है उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियाँ मिलती हैं, तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी एक सेक्शन जो है पोस्टर में बनाया था, जिससे कि मतलब गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए और एडोलसेंट गर्ल और जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनके लिए क्या क्या कर रही है वो सारी चीज़ें कवर करी थी। और जैसे कि एनीमिया में जो स्टार्टिंग डेज होते हैं जब माइल्ड रहता है, तो कई सारे लोग उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल से होते हैं, जैसे कि थकान होता है, स्किन थोड़ी पीली होती है, तो वो लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने उन सारी चीज़ों को भी कवर किया था कि उसे लोग अवेयर हों कि ये सारे सिम्टम्स हैं। और फिर जैसे कि जब सीवियर हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा एनीमिया एकदम सीवियर केस में होता है, तो जो सिम्टम्स होते हैं लाइक चेस्ट पेन वगैरह होता है, तो मैंने वो भी कवर किया था। और जैसे कि हमारे देश में जो डाइट होती है उसकी कमी, उसमें जो कमी होती है उसकी वजह से बेसिकली हो रहा है एनीमिया यहाँ पे, तो मैंने इसलिए उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए उसमें एक सेक्शन कवर किया था, जिसमें जो डाइट है, जो खान पान है, उसमें क्या चेंज करके हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें कवर करी थी। तो उसमें ये था कि जैसे कि आयरन रिच डाइट जो होती है, जैसे कि हरी साग सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने बनाई थी, और चित्र के माध्यम से मैंने वो लोगों को समझाने की कोशिश करी थी अपने पोस्टर में। आयरन फॉलिक एसिड तो है ही सॉल्यूशन, प्लस एक सॉल्यूशन इसमें ये है कि अगर हम अपनी महिलाओं को बोले हरी सब्जियों पे, खाने पीने पे अगर ध्यान दें, क्या होता है महिला सबसे ज़्यादा अलग रह जाती है, छूट जाती है घर में कि सबको खिला लें उसके बाद वो अपने खाएं या ये करें। तो खाने पीने में और डेली अगर आप गुड़ छुआरा, जैसे मुस्लिम्स में डेट से हम लोग वो अपना रोज़ा खोलते हैं, तो उसका भी साइंटिफिक कॉज है। अगर ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग अपने डेली दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो शायद हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसका आयोजन हमारे फॉक्सी के प्रेसिडेंट डॉक्टर ऋषिकेश पाई जी, जो बॉम्बे के हैं, उन्होंने एक जन आंदोलन यात्रा शुरू करी है, एनीमिया नाना एनीमिया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश से एनीमिया ख़त्म हो जाए। आज भी हमारे देश में 50% महिलाएँ करीब एनीमिया से युक्त हैं, उसमें एनीमिया है, और उसको ख़त्म करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर ऋषिकेश पाई जी ने ये मुहिम छेड़ी है। ये यात्रा हमारी उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार झारखंड होते हुए बंगाल में ख़त्म होगी। और इस यात्रा की शुरुआत हमारी 29 तारीख को हुई थी ऋषिकेश से, और आज ये कई जगह ख़त्म होते हुए आज लखनऊ पहुँची है। और इसके सही कई सारे लोग हम लोग पब्लिक फोरम कर रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे कैंप्स कर रहे हैं जिसमें एनीमिया का कितना इंसिडेंस है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी जयसवार जी जी हैं, वो प्रमुख
हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है गायनी की और प्रेसिडेंट भी हैं लॉक्स की, इन्होंने आज सुबह कैंप भी लगाया है और जिसमें BMD, थायराइड, एनीमिया, कई तरह की चीज़ें मरीजों में देखी गई हैं। स्पेशल कैंप लगाया गया है और हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे बिपिन पुरी जी को भी, जो वाइस प्रेसिडेंट, जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं KGMU के, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया है। अभी हम लोग एक पब्लिक फोरम कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर हम लोगों ने यंग लड़कियों और बच्चों को बुलाया था, जो करीब करीब 18 साल से लेकर 24-25 साल तक हैं, जिनमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि एनीमिया क्यों होता है और एनीमिया से कैसे हम भारत को मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी शाम को एक CME भी आयोजित होगी जिसमें सभी डॉक्टर्स आएंगे और उसमें फिर एनीमिया विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आज मुख्य अतिथि हमारी मेयर हैं संयुक्ता भाटिया जी, हमारे जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, और DG फैमिली वेलफेयर, सभी गवर्नमेंट के भी जितने भी मुख्य अधिकारी लोग हैं वो इसमें हाथ बढ़ा रहे हैं और हमें गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग है और उसके लिए हम आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हम लोग का भी इसमें इस मुहिम में साथ दिया है, धन्यवाद। और इससे हम आशा करते हैं कि कुछ एनीमिया की अवेयरनेस हम फैला पाएंगे और कुछ एनीमिया का रोकथाम हम इस कंट्री में कर पाएंगे, भारत देश में कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, ये केवल जनता को जागरूक करने के लिए है और जो अभी हम लोगों ने समाप्त किया है इसमें पूरी जनता थी, जो नॉर्मल लोग हैं। एनीमिया का हम लोगों के देश में कमी नहीं आ पा रही है, जबकि गवर्नमेंट बहुत प्रोग्राम्स लॉन्च कर चुकी है, हम लोग बहुत पुश करते हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स मोदी जी कितने बनवा रहे हैं, इतनी जगह सब फ्री काम हो रहा है, आशा बहुएँ हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दिस, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी जनता को इस बात की अवेयरनेस नहीं है। सो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है ऋषिकेश से और गंगा के किनारे 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 ये हर दिन होता हुआ 20 शहरों से होता हुआ गंगा के किनारे किनारे अंत में समाप्त होगा कोलकाता। कोलकाता में जनवरी में ये ख़त्म होगा और ये अक्रॉस द कंट्री प्रोग्राम बनाया गया है ताकि हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जागरूक कर पाएँ। ये रैली सिर्फ रैली यहाँ के लिए नहीं है, ये रैली जनता के लिए है कि उनको ये बात समझ में आए कि एनीमिया एक बहुत बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो स्त्री हो उसकी मृत्यु का, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स का, और एडोलेसेंट लड़कियाँ, आपको जान के बहुत दुख होगा कि एडोलेसेंट गर्ल्स में ये 59-60% है, मतलब 100 में से 60 लड़कियों को एनीमिया है, जो छोटी लड़कियाँ एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, बच्चों में इट इज़ 57-52%। मैम इसके लिए क्या उपचार है, जो क्या आयरन, फोलिक एसिड, ये सब गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसको खाना, उसको किस प्रकार खाया जाए और उसको किस प्रकार जाके दिखाना चाहिए या बात करनी चाहिए उसके बारे में, जो कि हिंदुस्तान में बहुत कठिन समस्या है, बिकॉज हमारी जनसंख्या में पढ़ाई की दर बहुत कम है। तो वो सब सोचते हुए ये रैलियों का आयोजन, साधारण नुक्कड़ नाटक, साधारण तरीके से बताना कि नहीं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, और ये साध्य रोग है और बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है, ये आसानी से ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। एक छोटे से छोटा आदमी अगर अपने लेवल पे ही थोड़ा बहुत करें, जैसे आपके घर में जो आपके सफाई कर्मचारी हों या जो भी लोग आपके यहाँ हों, अगर आप उनको ये बता सकें कि नहीं भाई थोड़ा आयरन, कैल्शियम या थोड़ा फोलिक एसिड खाओ, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारी सेहत पे, तो शायद बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा और बदलाव आएगा, और इसी ये यात्रा का नाम बदलाव यात्रा है। इट इज़ नारी स्वास्थ्य जन आंदोलन, बट इट इज़ अ बदलाव यात्रा, ये यात्रा बदलाव के नाम से है।